गर्ल जिसने खुद एक स्टार्टअप लॉन्च किया था। खुद स्टार्टअप लॉन्च करने का मतलब तो एक ही है कि भाई सब कुछ, एक पूरा बिजनेस खड़ा किया है फ्रॉम स्क्रैच, एंड नाउ शी वॉन्ट्स टू गेट इन टू बिजनेस एनालिस्ट रोल। सो वट कैन बी द रीजन, एवरी थिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। विदाउट मेकिंग एनी मोर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड उसका सिनारियो। वॉट वॉज हिज सिनारियो? इसकी उन्होंने खुद से एक स्टार्टअप लॉन्च किया, स्टार्टअप में काम किया, 3 साल के लिए उन्होंने वो स्टार्टअप लॉन्च किया था एंड काम किया था उसके ऊपर, एंड इवेंचुअली दैट स्टार्टअप वॉज नॉट गिविंग इनफ रेवेन्यू। ठीक है, ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे थे, इट वॉज़ इन टू HR ओनली। ज़्यादा पैसे ना कमाने की वजह से ऑब्वियसली शी डिसाइडेड कि भाई स्टार्टअप का आइडिया काम नहीं कर रहा है, तो एक किसी दूसरे रोल में जाते हैं। नाउ शी पिक्ड बिजनेस एनालिस्ट रोल, एंड वाई डिड शी पिक बिजनेस एनालिस्ट रोल इज बिकॉज शी यूज़ टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स डेली बेसिस पे। भाई अगर स्टार्टअप है तो ऑब्वियसली बात है कि क्लाइंट्स के साथ बात, अलग अलग लोगों के साथ बात होती है। दैट शी यूज़ टू डू, एंड सब कुछ तो वो खुद ही करती थी स्टार्टअप में, एंड यहाँ पे बीइंग अ बिजनेस एनालिस्ट यहाँ पे भी सब कुछ खुद करना है, 4 चीज़ें मैनेज करने हैं। सो वो सिमिलैरिटीज़ दिखी दोनों रोल्स में, दोनों चीज़ों में, जो वो यहाँ पे भी करती थी एंड अगले रोल में भी करेगी। दैट इज़ द रीज़न शी ऑप्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर रोल, एंड इट वॉज अ रियली गुड डिसीजन। द रीज़न इज़ बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने यहाँ पे सब कुछ खुद से मैनेज किया, तो बिजनेस एनालिस्ट का काम भी क्या होता है, राइट? प्रोजेक्ट मैनेज करना, लोगों से काम करवा के लेना, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे की है, तो यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट रोल में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, एंड प्रिसाइसली इन इंटरव्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल है, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। एंड आई बटन चेकआउट करना मत भूलना, बिकॉज ऐसे ही और ज़्यादा मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिंक वहाँ पे आपको दे रखे हैं। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंटरव्यूज़ में क्या पूछते हैं। इंटरव्यूज़ में रियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, राइट? आपको रोल के बारे में पता है क्या, आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में पता है क्या, तो ये सारी चीज़ें तो उन्होंने ऑलरेडी खुद करी हुई है, सो ऑब्वियसली बात है इंटरव्यू में वो सारी चीज़ें बता पाएंगी, उनको हेल्प हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाट आई सजेस्टेड कि इंटरव्यूज़ में भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आपको हेल्प करने वाला है। व्हाट यू कैन डू इज़ प्रॉबेबली अगर टाइम है तो रेलिवेंट सर्टिफिकेशंस कर लो, रेज्यूमे रिवैम्प कर लो, एंड यू कैन स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज़, बिकॉज ऑब्वियसली पहले 4 बाउंसर्स खाने के बाद में ही पिच का पता चलता है, एंड देन यू कैन हिट योर स्कोर्स, राइट? बेसिकली आई वॉन्टेड टू से इज़ कि 4 इंटरव्यूज़ देने के बाद में टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता चलेंगे, एंड देन यू कैन यू नो प्लान योर इंटरव्यूज अकॉर्डिंगली, बिकॉज क्वेश्चंस जो है वो सिमिलर लाइन्स पे ही आते हैं हर इंटरव्यू में। सो दिस इज व्हाट हैपेंड इन दैट पर्टिकुलर काउंसलिंग सेशंस, एंड दिस इज व्हाट अ लॉट ऑफ फोक्स माइट बी एक्सपीरियंसिंग कि स्टार्टअप लॉन्च किया बट नहीं काम कर रहा है, गेट इन टू BA। सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद में अगर आप सिमिलर सिचुएशन में हो, कोई भी सिमिलर सिचुएशन में है, तो ही विल गेट अ हेल्प आउट ऑफ इट। एंड अगर बिजनेस एनालिस्ट रोल को टारगेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली बिजनेस एनालिस्ट मास्टर क्लास जो मैंने खुद आपके लिए डिजाइन किया है, इट इज़ ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू, बिकॉज उसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन एंड बहुत सारी चीज़ें जो एक BA को पता होनी चाहिए, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स फ्रॉम स्क्रैच, मैंने खुद सिखाया है, सो ऑब्वियसली इट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। सो अगर एनरोल करना है तो डेफिनेटली वी आर रनिंग अ स्पेशल डिस्काउंट करेंटली, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, विद कूपन कोड यू कैन गेट अ हैक ऑफ इट। इवन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, मुझे 1-to-1 बात करना है, दैट ऑल्सो यू कैन डू, टॉपिक के ऊपर स्लॉट बुक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देन वी कैन कनेक्ट एंड डिस्कस योर करियर डिफिकल्टी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।